हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम सर्वल पाल्सी बच्चों में पाई जाने वाली बहुत ही कॉमन समस्या टो वॉकिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि टो वॉकिंग क्या है और किन किन कारणों से सर्वल पाल्सी बच्चों में टो वॉकिंग की समस्या हो जाती है और टो वॉकिंग का क्या इलाज है। आज हम इन सारे टॉपिक पर डिटेल से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सर्वल पाल्सी या शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि टो वॉकिंग क्या है। जब कोई बच्चा अपने पैर की एड़ी उठाकर पंजे की अंगुलियों के बल चलता है तो इसे हम टो वॉकिंग कहते हैं। इसमें बच्चा अपनी हील पूरा नहीं रख पाता है, उसकी हील उठी रहती है और बच्चा जब भी चलता है तो अपने पैर की अंगुलियों पे चलता है, इसे हम टो वॉकिंग कहते हैं। टो वॉकिंग की समस्या एक पैर में भी हो सकती है, दोनों पैर में भी हो सकती है, लेकिन हमने ज़्यादातर देखा है कि टो वॉकिंग की समस्या स्पास्टिक सर्वल पाल्सी बच्चों में हमें देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे कि टो वॉकिंग होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो इसके पांच कारण होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विनस डिफॉर्मिटी, सेकेंड होता है नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, थर्ड होता है हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, फोर्थ होता है स्पास्टिसिटी और फाइव होता है इडियोपैथिक टो वॉकिंग। तो पहले हम आपको बताते हैं इक्विनस डिफॉर्मिटी। जब किसी बच्चे में इक्विनस डिफॉर्मिटी की समस्या हो जाती है, इक्विनस डिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चा जो है अपनी एड़ी को नहीं रख पाता है, वो पंजे के बल चलता है। तो जिन बच्चों में इक्विनस डिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में हमें टो वॉकिंग की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। इसमें बच्चा जब भी चलता है या खड़ा होता है तो बच्चा अपने दोनों घुटनों को बेंड करके रखता है, तो जिन बच्चों में नी फ्लेक्शन की डिफॉर्मिटी होती है उन बच्चों में भी हमें टो वॉकिंग की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट होती है हिप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। जिन बच्चों में हिप फ्लेक्शन की डिफॉर्मिटी होती है, बच्चे अपने दोनों हिप को फ्लेक्शन में रहते हैं, तो उन बच्चों में भी हमें टो वॉकिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। फोर्थ होता है स्पास्टिसिटी। जो हमारी काफ मसल्स रहती है, पीछे की साइड रहती है काफ मसल्स, इसमें दो मसल्स रहती हैं गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस। जब इन दोनों मांसपेशियों में स्पास्टिसिटी हो जाती है तो बच्चा जो है अपनी एड़ी नहीं रख पाता है, वो पंजे की अंगुलियों के बल चलता है। तो जो ये स्पास्टिसिटी का रीजन है, ये सबसे मेन कारण है। ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि बच्चे की काफ मसल में स्पास्टिसिटी हो जाने की वजह से बच्चा अपने एड़ी को नहीं रख पाता है और वो पंजे की अंगुलियों के बल चलता है, यानी टो वॉक का सबसे मेन रीजन स्पास्टिसिटी होता है। नेक्स्ट होता है इडियोपैथिक टो वॉकिंग। कभी कभी हमें कारणों का पता भी नहीं चल पाता है कि टो वॉकिंग की समस्या क्यों हुई है। ज़्यादातर जो छोटे बच्चों में हमें इडियोपैथिक टो वॉकिंग की समस्या देखने को मिलती है, जबकि कुछ बच्चों में अपने आप ही ठीक हो जाती है, उसमें किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि कुछ बच्चों में हमें इलाज की जरूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कि टो वॉकिंग के बच्चों में क्या क्या इलाज की ज़रूरत होती है, यानी टो वॉकिंग का क्या इलाज है। तो इसमें हमें चार प्रकार के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट होता है फिजियोथेरेपी, सेकेंड होता है ऑर्थोटिक ब्रेसेस, थर्ड होता है बॉटुलिनम टॉक्सिन बोटॉक्स इंजेक्शन और फोर्थ होता है सर्जरी। पहले हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी। टो वॉकिंग में हमें फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है कि अगर बच्चे की फिजियोथेरेपी स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी जाए, शुरुआती दौर से ही शुरू कर दी जाए, तो इन बच्चों में बोटॉक्स और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिजियोथेरेपी से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इन बच्चों में पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जो हमारी गैस्ट्रोनीमियस और काफ मसल
टाइट रहती है उसमें हमें स्ट्रेचिंग कराने की जरूरत होती है, ताकि जो स्पास्टिसिटी है डेस्टोनीमियस और काफ मसल्स में, जो मसल्स टाइट हैं तो उसमें हमें टीए की स्ट्रेचिंग करानी पड़ती है। इस तरह से अंदर करके जो है टीए की स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। स्ट्रेचिंग कराते समय बहुत ध्यान से कराना चाहिए, इन बच्चों में कोई भी फास्ट एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए और कोई भी एक्सरसाइज गलत तरीके से नहीं करानी चाहिए। तो स्ट्रेचिंग का एक और तरीका रहता है, अगर सही तरीके से स्ट्रेचिंग होगी तभी बच्चे की जो गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल्स टाइट है वो रिलैक्स होगी। इसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मतलब पावर लाने वाली कसरत, जो बच्चों की टिबिलिस इंटीरियर मसल्स में पावर नहीं होती है उसके लिए हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। इसमें हम पंजे को स्टिमुलेशन देते हैं ताकि बच्चा जो है अपने पंजे को अंदर लेके आए, यानी पंजा अपना डॉर्सिफ्लेक्शन में लेके आए। उसके लिए हम बच्चे के पंजे में ग्रूदी करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं और उसके बाद बच्चे को पंजे को अंदर लाने के लिए हम बोलते हैं। इस तरह से हम अपनी फिंगर को लगाते हैं और बच्चे से बोलते हैं कि वो अपने पंजे से फिंगर को टच करे। तो इस तरह से डॉर्सिफ्लेक्शन का मूवमेंट होता है और बच्चे की जो गैस्ट्रोनीमियस मसल्स है वो रिलैक्स होती है और टिबिलिस इंटीरियर मसल्स है उसमें ताकत आती है। इसके बाद हम स्क्वैटिंग कराते हैं। स्क्वैटिंग कराने से भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्क्वैटिंग इस तरह से बच्चे को हम पंजे के बल बैठाते हैं इस तरह से, ताकि बच्चा पंजे के बल बैठे और पंजे के बल बैठाने से बच्चे की गैस्ट्रोनीमियस मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, बच्चे का पंजा जो है रिलैक्स होता है और जो उसको एड़ी उठा के रखने की टेंडेंसी है, जो आदत है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो दिन में 2 से 3 बार स्क्वैटिंग कराने से भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बच्चे को दिन में 2-3 बार स्क्वैटिंग आप बैठा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चे को फ्लोर पे चढ़ाते हैं, सीढ़ी चढ़ाते हैं, बच्चे को वन लेग स्टैंडिंग कराते हैं। इससे भी हमारी जो है गैस्ट्रोनीमियस मसल रिलैक्स होती है और बच्चा जो है एड़ी उठाने की जो आदत होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा हम गेट ट्रेनिंग कराते हैं, बच्चे को चलना सिखाते हैं। गेट ट्रेनिंग कराना इन बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो धीरे धीरे जो है ब्रेन कमांड को फॉलो करता है। तो अगर किसी चीज़ की बच्चे को टेंडेंसी है, जैसे अगर टो वॉकिंग में बच्चे को एड़ी उठाने की टेंडेंसी होती है, आदत होती है, जिसे करेक्ट करने के लिए हमें बार बार वर्बल कमांड देना पड़ता है, ताकि जो बच्चा है बार बार जब वर्बल कमांड मिलेगा तो वो धीरे धीरे अपनी एड़ी धीरे धीरे रखने लगता है। तो एक्सरसाइज कराने के साथ साथ हमें बच्चे को वेट ट्रेनिंग कराना चाहिए। सेंटर पे कराने के साथ साथ बच्चे के माता पिता को भी घर पे भी गेट ट्रेनिंग कराना चाहिए। बच्चे को चलते समय जब भी बच्चे को वॉक कराएं तो उसके बार बार बोलना है, बेटा एड़ी नीचे रखो। बार बार वर्बल कमांड देने से बच्चे में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं, पेल्विक कंट्रोल कराते हैं और उसके बाद हम एमएसटी थेरेपी देते हैं। एमएसटी थेरेपी मतलब मसल स्टिमुलेटर थेरेपी। इसमें क्या होता है, मसल स्टिमुलेटर थेरेपी देने से जो हमारी टिबिलिस इंटीरियर मसल्स वीक है, जिसमें पावर नहीं है, बच्चे में डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट नहीं है, तो हम एमएसटी थेरेपी देने से बच्चे का जो है डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट आता है और टिबिलिस इंटीरियर मसल्स में पावर आती है। तो हम एमएसटी थेरेपी भी देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो हमने टो वॉकिंग के लिए बताई हैं। ये सारी एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार कराना जरूरी होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को एक्सरसाइज कराते हैं तो एक बार एक्सरसाइज कराने के बाद बच्चे को बीच में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। 1 से 2 घंटे का बीच में रेस्ट बच्चे को देना चाहिए। अगर बच्चे को कंटिन्यू एक्सरसाइज कराते रहेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाएगा। जब उसकी मसल्स थक जाएगी तो बच्चा एक्सरसाइज में कोऑपरेट नहीं करेगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा और वो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो जब भी बच्चे को एक्सरसाइज कराएं, दिन में 2 से 3 बार जरूर कराएं, लेकिन बीच बीच में बच्चे को रेस्ट भी दें, ताकि बच्चा अच्छे से एक्सरसाइज करे और बच्चे में हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा जो ट्रीटमेंट है, आर्थोटिक ब्रेसेस। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में आर्थोटिक ब्रेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन बच्चों में हम एक्सरसाइज का अपना रोल होता है और आर्थोटिक ब्रेसेस का अपना रोल होता है। टो वॉकिंग के बच्चों में हम एफओ यूज करते हैं। हर प्रकार के बच्चे में अलग अलग एफओ की हमें ज़रूरत पड़ती है। एफओ हमेशा जो है हल्का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का एफओ हल्का रहेगा तो बच्चे को चलने फिरने में समस्या नहीं होगी।
बच्चा उसे पहन के आराम से चलेगा और खड़ा होगा। तो इसमें हमें जो है हमेशा हल्का एफोर्ट बच्चे को देना चाहिए, बनवाना चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि एफओ कभी भी रेडीमेड नहीं लेना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे का एफओ रेडीमेड ले लेते हैं, कहीं से भी रेडीमेड खरीद लेते हैं, तो जिससे क्या होता है ना तो बच्चे के शूज की फिटिंग होती है, और एफओ जब तक सही नहीं हुआ उसमें किसी तरह की कोई भी बच्चे को कहीं लगेगा या कहीं चूहेगा तो बच्चा जो है ठीक से ना तो चल पाएगा ना तो खड़ा हो पाएगा। तो एफओ अगर सही नहीं है तो बच्चों में स्पास्टिसिटी की समस्या और बढ़ जाती है। तो एफओ हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए बच्चे के लिए। एफओ जब कंफर्टेबल रहेगा तभी बच्चा जो है ठीक से चल पाएगा। तो कभी भी रेडीमेड एफओ नहीं लेना चाहिए। जब भी बच्चे का एफओ बनवाएं तो स्पेशलिस्ट से ही और पीओपी से मोल्ड देकर ही एफओ बनवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पैर में, हर बच्चे के पैर में अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसी के बच्चे का पैर जो पंजा है वो अंदर जा रहा है, किसी का जो है बाहर जा रहा है, किसी का अंदर जा रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं हमें बच्चे के पैर में देखने को मिलती है और उसी हिसाब से हमें बच्चे का शूज बनवाना पड़ता है। उसके बाद जो बच्चे के एफओ में जो एंगल रहता है इसका भी बहुत रोल रहता है। इसमें हम किसी में 95 करते हैं, 95 डिग्री करना पड़ता है, किसी में 90 डिग्री करना पड़ता है, किसी में हमें 85 डिग्री करना पड़ता है, किसी में हमें 80 डिग्री करना पड़ता है, और कभी कभी हमें शूज को फिक्स करना भी पड़ता है। तो ये बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से हमें एंगल सेट करना पड़ता है। जिस बच्चे में जैसी प्रॉब्लम होती है उसी हिसाब से बच्चे के शूज का जो है एफओ का एंगल सेट करते हैं। एफओ बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि जब हम बच्चे के एक्सरसाइज कराते हैं, मतलब टो वॉकिंग में हमने बच्चे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई, बच्चे की जो मांसपेशियां है, जो टाइट मसल्स है जिसमें स्पास्टिसिटी है, उसमें हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो मसल्स वो रिलैक्स होती है, ढीली हो जाती है। और अगर बच्चा एफओ को नहीं पहनेगा तो उसके बाद वो दोबारा से फिर से टाइट हो जाएगी। तो बच्चे में एफओ पहनाना बहुत ज़रूरी होता है और लगभग 12 से 15 घंटे बच्चे को एफओ पहनाने की ज़रूरत पड़ती है। और रात में भी एफओ पहनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रात में ही स्पास्टिसिटी बढ़ती है। कोशिश करना चाहिए कि बच्चे का जो एफओ है वो 12 से 15 घंटे बच्चे को रेगुलर पहनाना चाहिए, तभी हमें जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जब भी बच्चे के लिए आप एफओ बनवाएं तो पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके बच्चे में कौन से एफओ की ज़रूरत है। अगर आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए एफओ बनवाएंगे तो बच्चे में हो सकता है फायदे की जगह आपके बच्चे में नुकसान हो जाए। तो एफओ से बनवाने से पहले आपको पूरी जानकारी जो है डॉक्टर से ले लेनी चाहिए, ताकि उसका जो है ठीक से एफओ बने और बच्चा उसको पहन के आराम से चल फिर पाए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है बॉटलमेंट टॉक्सिन बोटॉक्स इंजेक्शन। जब बच्चे की गैस्ट्रोनिमिस मसल्स में बहुत ज़्यादा टाइटपन रहता है, बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी है, बच्चे की फिजियोथेरेपी के बाद कराने के बाद भी अगर बच्चे में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम उसमें बच्चों में बोटॉक्स का प्लान करते हैं। आर्थोपेडिक सर्जन जो है वो बोटॉक्स इंजेक्शन बच्चों की मसल्स में लगाते हैं, ताकि जो बच्चे की जो टाइट मसल्स है जिसमें स्पास्टिसिटी है वो स्पास्टिसिटी थोड़ा कम हो। बोटॉक्स के लगवाने के बाद भी हमें फिजियोथेरेपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर बोटॉक्स आपने लगाया है जब तक उसकी दिन में 2 से 3 बार फिजियोथेरेपी नहीं होगी तो बोटॉक्स का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर फिजियोथेरेपी उसमें अच्छे से हो रही है तो बोटॉक्स के इफेक्ट को बढ़ाया जा सकता है। तो बोटॉक्स के बाद भी हमें फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हमारा लास्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जरी। जब बच्चा 7 से 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, उसमें पंजे में बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी है, पंजा पूरा रिजिड हो गया है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, फिजियोथेरेपी से भी उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, तो हमें उन बच्चों में सर्जरी का प्लान करना पड़ता है। सर्जरी में जो टाइट मसल्स रहती हैं वो डॉक्टर उसे रिलीज करते हैं, ताकि बच्चे की स्पास्टिसिटी जो कम हो। 95% केसों में हमने देखा है कि अगर बच्चे की सही फिजियोथेरेपी हो रही है शुरुआती दौर से तो बच्चों में बोटॉक्स और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या बहुत ही कम केसों में पड़ती है। तो सर्जरी कराने के बाद भी फिजियोथेरेपी पे हमें बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे की फिजियोथेरेपी नहीं होगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं कराया जाएगा, तो बच्चे की जो मसल्स है वो दोबारा से टाइट हो जाएगी। तो फिर आप बोटॉक्स और सर्जरी के बाद भी
फिजियोथेरेपी पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, तभी हमें बोटॉक्स और सर्जरी का रिजल्ट जो है मिल पाएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था टो वॉकिंग के बारे में, जिसमें हमने वीडियो के माध्यम से आपको टो वॉकिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। और अगर बच्चे को टो वॉकिंग की समस्या है या बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, बच्चा बैठता नहीं है, चलता नहीं है, तो मैं उनके माता पिता से कहना चाहूँगा कि उनके अपने बच्चों में थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। बच्चों में फ़ायदा होता है लेकिन थोड़ा समय देने की ज़रूरत होती है और पूरा लगे रहने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी पेरेंट्स अपना रेगुलर बच्चे में थेरेपी कराते हैं उनके बच्चों में रिजल्ट देखने को मिलता है, बट इसमें सेरेब्रल पाल्सी के इलाज में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें धीरे धीरे ही बच्चे में फ़ायदा देखने को मिलता है। पेरेंट्स को रेगुलर एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत पड़ती है और रेगुलर जो है बच्चे को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी डॉक्टर बच्चे को बताते हैं वो सारी एक्सरसाइज पेरेंट्स को ठीक से कराना चाहिए, ताकि बच्चे में बहुत ही कम समय में अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सके। अब हम आपको अपने सेंटर के कुछ रिजल्ट के बारे में बताएंगे कि जिन बच्चों को टो वॉकिंग की समस्या थी, बच्चा जब भी चलता था तो अपनी पंजे की अंगुलियों पर चलता था, एड़ी नहीं रखता था, लेकिन हमारे यहाँ 3 महीने की फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने के बाद आज वो बच्चा ठीक से चल रहा है, अच्छे से एड़ी रख के चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, 2 से 3 जो रिजल्ट हमने इस वीडियो में दिखाए हैं उन्हें आप देखें। इसमें किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई बोटॉक्स इंजेक्शन नहीं दिया गया है, केवल फिजियोथेरेपी से ही बच्चों में हमें रिजल्ट देखने को मिला है, जिन्हें आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारा ये आज का वीडियो था, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।